धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का वीडियो हुआ वायरल। मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। कानपुर के रावतपुर गांव में एक युवक द्वारा धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने अब मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। डीसीपी पश्चिम विजय ढोल ने जानकारी देते हुए बताया, एक माह पूर्व एक युवक पंजाब से रावतपुर गांव आया था और यहां पर वह लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहा था। क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अनुसार युवक द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर वह क्रिश्चियन धर्म को अपनाते हैं तो उनको कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसमें एक व्यक्ति काफी लोगों को धर्म के बारे में कुछ प्रचार कर रहा है। जब इस वीडियो का जांच की गई तो पाया गया कि यह रावतपुर गांव का वीडियो है और लगभग एक माह पुराना इंसिडेंट है। जब रावतपुर गांव में एक धीरज नाम का व्यक्ति रहता है, जो कि अत्यधिक शराब पीने के कारण उसको लीवर रोग से वो ग्रसित है, उसको इलाज करने के लिए एक व्यक्ति पंजाब से आया था। उस व्यक्ति का नाम और बाकी उसके बारे में जानकारी स्थानीय लोगों को नहीं है, लेकिन लोगों ने बताया कि जब वह व्यक्ति उनको धर्म परिवर्तन के बारे में उस बारे में उनको इंसाइट करने लगा, उनको उसके लिए प्रेरित करने लगा, तो उन लोगों ने उसको वहाँ से भगा दिया। उस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पुलिस के द्वारा सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और उस व्यक्ति की तलाश हेतु हम लोग अपनी छानबीन कर रहे हैं। वो उन लोगों को ये बता रहा था कि अगर आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करेंगे तो इस प्रकार की जो बीमारियाँ हैं आपको नहीं होंगी।